हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिमिथला और मैं हूं अमन। आप जो अभी दृश्य देख रहे हैं ये गाजीपुर बॉर्डर का है और अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो टाइम हो रहा है 1 बज रहा होगा अभी। ये गाजीपुर बॉर्डर का किसान आंदोलन है और आप सोच रहे होंगे कि इतना अफरा तफरी अचानक से कैसे मच गई। लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, डंडे दिखा रहे हैं और डंडे लेकर के रोड पर चलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, नारे लगाते हुए बहुत ज़्यादा विरोध करते हुए आपको दिख रहे हैं अभी यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है जो किसान इतने नाराज़ हो गए। गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया है किसानों ने यहाँ पर और बहुत ज़्यादा विरोध किया है। तो दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर में एक लोकेशन है यूपी गेट। यूपी गेट पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए थे बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए। ये सुनने में आ रहा है कि अमित वाल्मीकि जी को बीजेपी पार्टी में प्रमोशन मिला है और उसी के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता यूपी गेट पर खड़े हुए थे। किसानों का कहना है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता खड़े हुए थे वो किसान विरोधी नारा लगा रहे थे। जब किसानों को पता चला तो किसानों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का विरोध देख बीजेपी के कार्यकर्ता ने किसानों को गालियाँ दी, ये किसानों का कहना है। और इतने में ही अमित वाल्मीकि जी दिल्ली से यूपी गेट पर पहुँच गए। इसके बाद ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, ये किसानों का कहना है। इसके बाद किसानों ने भी बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, तोड़ फोड़ किया, काले झंडे दिखाए। हालांकि काला झंडा इनके हाथ में पहले से था, लाठी डंडे भी ये टेंट से लेकर के आए थे जब ये विरोध हो रहा था तभी। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, गाड़ियों में तोड़ फोड़ मचा रखी है, भीड़ आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि जी को भी काले झंडे दिखाए गए और एक कड़ा विरोध किया गया। लाठी डंडे से भी गाड़ियों पर वार किया गया है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पत्थरबाजी की है, गाड़ी ग्लौज भी किया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर का कुछ ही समय में माहौल बिल्कुल बदल गया। दोपहर का समय है, किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँचा। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस समय में गाजीपुर बॉर्डर का हालात अभी सामान्य है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं वो गाड़ी छोड़ करके भाग गए हैं। अभी फिलहाल हालात सामान्य है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए दि मिथिला। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट चेक किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।